हाय हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। यहाँ पे आज इस वीडियो के अंदर जो है हमने विजिट किया था गाउटेक का 2023 जो है एक्सपो, जो कि राजकोट के अंदर जो है ऑर्गेनाइज किया गया था रेसकोर्स ग्राउंड के अंदर, और अभी भी चालू है। 24 मई 2023 से जो है 28 मई जो है 2023 तक ये जो है चलेगा दोस्तों। यहाँ पे जो है काफ़ी सारे जो है काव एंटरप्रेन्योर्स है, ब्रीडर्स है, इनोवेटर्स है, वेटरनर्स है, ऑर्गेनिक फार्मर्स है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है, मैन्युफैक्चरर ऑफ काउ बेस्ड प्रोडक्ट है दोस्तों, मार्केटिंग प्रोफेशनल, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है एक ही जो है एक प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे इकट्ठा होंगे दोस्तों। इसके पहले भी जो है राजकोट के अंदर जो है इस तरीके के फार्मर्स है तो एग्रीकल्चर एक्सपो जो है हो चुका है, जिसमें जो मतलब पार्टिसिपेंट उस टाइम पे थे वो तो यहाँ पे थे ही थे। उस टाइप की कंपनियाँ थी जो सीड कंपनियाँ हैं, ट्रैक्टर की कंपनियां हैं, अलग अलग फार्म की जो क्या बोलते हैं कि अलग अलग फार्म के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उसकी कंपनियां हैं। उसके अलावा झटका मशीन जो बोलते हैं, जो कि अनवांटेड एनिमल से जो है क्रॉप को बचाने के लिए यूज होता है, फेंसिंग के रिलेटेड कंपनियां हैं, डेयरी प्रोडक्ट के रिलेटेड कंपनियां हैं, जो कि ये पिछले वाले हमने एक वीडियो बनाया था एग्रीकल्चर एक्सपो या ना फार्मर एक्सपो जो था, तो उसमें जो कंपनियां थी वो सब यहाँ पे भी थी। एडिशनली जो है यहाँ पे आपको काफ़ी सारे काउ बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाने वाले या तो जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर यूज होने वाले प्रोडक्ट्स जो है, या तो अवेयरनेस की ट्रेनिंग वर्कशॉप्स की इंफॉर्मेशन देने वाले जो है अलग अलग इनोवेटर्स है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म था, तो कंपेरेटिवली जो है बहुत ही बढ़िया यहाँ पे एनवायरनमेंट जो है क्रिएट किया गया था। यहाँ पे एक्चुअल में समर का टाइम दोस्तों अभी चल रहा है, 42-43 के आसपास जो है टेम्परेचर है, तो यहाँ पे अंदर जो है काफ़ी बढ़िया जो है एयर कूलर और पंखे की सुविधा थी, जिससे कि आपको ज़्यादा गर्मी नहीं होगी। दोपहर के टाइम पे भी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, और लोग जो है ज़्यादातर वैसे तो 5 बजे के बाद और जो बाहर गाँव से आए थे राजकोट के आसपास के गाँव से, वो सुबह आते हैं और बाद में वो शाम तक जो है चले जाते हैं, जबकि राजकोट के नज़दीक रहने वाले और राजकोट सिटी के जो है लोग वो 5 बजे के बाद या तो 4 से 5 बजे के बाद जो है लोग आना शुरू होते हैं। तो बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट था। आप देख सकते हैं अहमदाबाद से भी जो है काफ़ी सारे जो है ऑर्गेनिक फार्मर्स या तो जो है गौशाला वाले जो है यहाँ पे आए थे, तो एक बहुत बढ़िया जो है एटमोसफियर था। उसके अलावा यहाँ पे जो है एक क्या बोलते हैं कि ऑडिटोरियम जैसा भी था, जहाँ पे अलग अलग वर्कशॉप्स से सेमिनार से वहाँ पे चल रहे थे, तो अलग अलग टॉपिक के ऊपर एवरीडे कुछ ना कुछ यहाँ पे चलता रहेगा, तो अगर आप चाहें तो उसका भी एक जो है फ़ायदा मतलब कर सकते हैं, फ़ायदा लगा सकते हैं। और दोस्तों आपको जो है अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जैसे कि आणंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है रिसर्च साइंटिस्ट या तो प्रोफेसर्स जो है वो भी यहाँ पे थे, और वो लोग क्या क्या सुविधाएं या तो वर्कशॉप्स या तो प्रोडक्ट्स जो है वहाँ पे मुहैया कराते हैं, तो उनसे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे भी आप जो है दोस्तों जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे काव डंग या तो काव बेस खेती कैसे मतलब गाय बे आधारित खेती जो है कैसे करनी है उसके रिलेटेड आपको काफ़ी मोटिवेशन मिल जाएगा। और दोस्तों जो है ना ऐसा बोलते हैं कि टोटल फार्मिंग यहाँ पे ज़्यादातर लोग ऐसा मतलब पहले ऐसा था कि किसान जो है ऐसा सोचता था कि भाई हम जो है खेत की पैदावार उगा के जो है फिर हम जो है कुछ नहीं करेंगे, बट अब समय जो है बदल गया है, तो किसानों को जो है मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, ब्रांडिंग भी करनी पड़ेगी, तो सब चीज़ें जो है यहाँ पे करनी पड़ेगी दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग जो है प्रोडक्ट्स अलग अलग क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पे मुहैया कराई गई है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही इन्फॉर्मेशन बढ़िया इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। तो इसको आप ज़रूर से करें, आपकी कोई क्वेरीज है, कंफ्यूजन है, तो वो भी बहुत हद तक जो है आपकी जो है चली जाएगी दोस्तों। और आज के समय में जो है ना टूरिज्म का समय है, और महिलाएं भी जो है काम करती है दोस्तों, महिलाएं भी जो है बहुत बहुत इनोवेटिव और जो है क्रिएटिव वर्क जो है करती है आर्ट के फील्ड में, किसानों की खेती बाड़ी के फील्ड में। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो उद्घाटन के टाइम में नेता लोग आएंगे वो यहाँ पे भाषण वगैरह करेंगे, उनके खाने पीने का इंतजाम भी यहाँ पे किया हुआ है, ये भोजनालय की भी यहाँ पे व्यवस्था है। बाजू में ही जो है आपको
वॉशरूम की भी यहाँ पे व्यवस्था करी गई है। तो 400 से ज़्यादा यहाँ पे स्टॉल जो है दोस्तों लगे हुए थे, और काफ़ी मतलब मुझे तो नॉलेज देखने को मिला एट एवरी स्टेप, जो है हर एक कदम पे यहाँ पे कुछ सीखने का था। तो ये आप देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पे 4 या तो 5 डोम थे, हर एक का कुछ यूनिक नाम जो है दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि गाय वगैरह आपने पाल के रखा है तो यहाँ पे घास काटने की मशीन की भी ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो ये भी यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स जो आते हैं एग्रीकल्चर इक्विपमेंट यहाँ पे, वो भी आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंदर घूमने के लिए बैटरी वाली रजवाड़ी कार भी थी जो कि काफ़ी बढ़िया थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महिलाओं के द्वारा बनाए गए बहुत ही ब्यूटीफुल जो है आर्टिस्टिक वर्क वाले यहाँ पे स्टॉल भी थे, जहाँ से हर कोई जो है कुछ ना कुछ खरीद सकता है दोस्तों। आयुर्वेदिक और उस तरीके के हेल्थ के रिलेटेड प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाले लोग भी यहाँ पे क्या बोलते हैं उनके स्टॉल्स भी थे दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब महिलाएं जो है इतने उत्साह से जो है सब चीज़ों को दिखा रही है, समझा रही है। और आप देख सकते हैं कि महिलाओं के जो कपड़े हैं उनके स्टॉल पे भी काफ़ी यहाँ पे भीड़ देखने को मिलती है। और यहाँ पे सेल्फी क्या बोलते हैं कि 360 डिग्री सेल्फी वीडियो बनाने का भी एक पोर्ट था, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे जो हमारे YouTube के कारण जो पॉपुलर हुए क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं, गौशाला के ओनर्स हैं, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल थे। तो उनके साथ भी लोग काफ़ी सेल्फी वगैरह जो है खिंचवा रहे थे, वीडियो वगैरह जो है बना रहे थे। तो ये भी एक मतलब एक्साइटमेंट का पूरा एक माहौल था यार। एक बार तो मुझे लगता है कि अगर आप खेतीबाड़ी नहीं भी करते हैं फिर भी आप तो खाना तो खाते ही है ना दोस्तों। तो खेती के बारे में जानने के लिए थोड़ा बहुत आपको इस जगह पे आना चाहिए, बच्चों को कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। हर किसी के दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया आ जाएगा कि हम जो है कुछ नया कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साल हमारा जो है मिलेट का साल है, तो पूरा मिलेट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन का एक यहाँ पर स्टॉल जो है रखा गया था दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी लोग जो है यहाँ पे आए हुए थे। जैसे जैसे धूप जो है कम होती जा रही थी लोगों की जो है भीड़ आती जा रही थी। यहाँ पे पानी की व्यवस्था, फिर यहाँ पे जो है गायत्री विद्यापीठ जो है उनके द्वारा हवन की भी व्यवस्था थी, जिससे कि जो है विश्व शांति हो और गौ माता के थ्रू जो है सबका कल्याण हो। यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था कि रजवाड़ी इलेक्ट्रिक कार जो थी यहाँ पे VIP लोग थे उनको यहाँ से वहाँ लेके जा रही थी दोस्तों, या तो एल्डर लोग हैं उनके लिए भी ये सुविधा मुहैया कराई जा रही थी दोस्तों इस तरीके की। तो काफ़ी अच्छा रेड कारपेट यहाँ पे बिछा के रखा हुआ है। यहाँ पे हमारे मंत्री जी जो है वो स्पीच देने के लिए आ चुके थे दोस्तों। तो यहाँ पे काफ़ी सारे रिपोर्टर वगैरह जो है कवरेज लेने के लिए, फ़ोटो लेने के लिए यहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा हो चुके थे दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया सा जो है यहाँ पे माहौल देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों यहाँ पे मतलब मुझे तो बहुत सारे जो एक डाउट थे वो भी यहाँ पे क्लियर हुए कि किस तरीके से जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग करी जाती है, गाय आधारित खेती करी जाती है, और बहुत सारे यहाँ पे दोस्तों सेल्फी पॉइंट्स भी थे। तो लोग जो है मज़े लेके अलग अलग स्टैचूज़ के साथ सेल्फी पॉइंट्स पे जो है सेल्फी ले रहे थे दोस्तों। हाँ, तो मैं बता रहा था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिलेटेड है, गाय आधारित खेती है, और कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो है बनाए जा सकते हैं, कैसे जो है मार्केटिंग करी जा सकती है, कैसे जो है हम खेती को जो है ईजी बना सकते हैं, प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर सेमिनार जो चल रहा है उसको सुन रहे हैं, पूरा ऑडिटोरियम जो है खचाखच भरा हुआ है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर लाइफ।